वेलकम फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप के बारे में जो हाल ही में फ्रांस में समाप्त हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले हमारे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें इस तरह नई नई वीडियो पाने के लिए। व्हिच इंडियन ओन गोल्ड मेडल इन वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप, किस भारतीय ने स्वर्ण पदक हासिल किया है वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में। सुनील एंटिल, जो भारत का एक पैरा जैवलिन थ्रोरर है, उन्होंने T64 कैटेगरी में स्वर्ण पदक हासिल किया है और उन्होंने 70.83 मीटर भाला फेंक कर विश्व रिकॉर्ड भी बना दिया है, ये भी याद रखिए। इस तरह सचिन सर्जरियो, जो मेन शॉट पुटर है, उन्होंने भी स्वर्ण पदक हासिल किया है, उन्होंने भी एशियन रिकॉर्ड बना दिया है शॉट पुट में। इसी तरह अजीत सिंह, जो जैवलिन थ्रो T46 कैटेगरी में, उन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता है। इसलिए भारत ने 3 स्वर्ण पदक हासिल किया है वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में। हु वन सिल्वर मेडल फॉर इंडिया, भारत के लिए किसने रौप्य पदक जीता है। वेगेस काठुनिया, याद रखिए वेगेस काठुनिया, जो मेंस डिस्कस थ्रो में F56 कैटेगरी में रौप्य पदक जीता है। इसी तरह निषाद कुमार हाई जंप में T47 कैटेगरी में भी रौप्य पदक हासिल किया है। इस तरह शैलेश कुमार हाई जंप में T63 के कैटेगरी में रौप्य पदक जीता है। इस तरह रिंकू हुडा, जो जैवलिन थ्रो F46 कैटेगरी में, उन्होंने भी भारत के लिए रौप्य पदक हासिल किया। इस तरह भारत ने 4 रौप्य पदक हासिल किए इस साल। 3 स्वर्ण पदक और 4 रौप्य पदक भारत ने हासिल किए थे। हु ओन ब्रॉन्ज मेडल फॉर इंडिया इन वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप, विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में भारत के लिए ब्रॉन्ज पदक किसने जीता है। प्रवीण कुमार, जो भारत के लिए हाई जंप में T64 कैटेगरी में ब्रॉन्ज पदक जीता है। इस तरह एकता बयान वोमेन्स क्लब थ्रो में F51 कैटेगरी में ब्रॉन्ज पदक हासिल किया है। इस तरह पूजा वोमेन्स जैवलिन थ्रो में F54 कैटेगरी में ब्रॉन्ज पदक हासिल किए है। इसी तरह याद रखिए भारत ने कुल मिलाकर 3 स्वर्ण पदक, 4 रजत पदक और 3 ब्रॉन्ज पदक हासिल किए हैं। ये सबको मिलाकर इस साल भारत वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में 10 पदक हासिल किया है। ये भी याद रखें, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। और किस खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है इसको याद रखें, क्योंकि एग्जाम में वही पूछने वाला है। प्रवीण कुमार किस खेल से संबंधित है ना, हाई जंप से संबंधित है। व्हाट इज इंडिया रैंक इन मेडल टेबल, मेडल पदक तालिका में भारत का स्थान कैसा रहा है। भारत ने 19वां स्थान हासिल किया है, जो अब तक भारत का सबसे ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन रहा है। इस साल वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में भारत ने 19वां स्थान हासिल किया है, जो भारत के लिए सबसे अच्छा प्रदर्शन इस साल किया है। और टॉप में चाइना है और सेकेंड में ब्राज़ील है, थर्ड में USA स्थान हासिल किया है, ये भी याद रखें। नेक्स्ट, होस्ट कंट्री ऑफ वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 के जो पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप हुए थे, इससे आयोजक देश कौन था, फ्रांस, क्योंकि फ्रांस में अभी इस खेल चल रहा था। जो फ्रांस ने तीसरी बार इस खेल को आयोजन किया है, इस साल फ्रांस के चेटली स्टेडियम पेरिस, फ्रांस के कैपिटल पेरिस में एक चेटली स्टेडियम है, इस स्टेडियम में इस साल खेला गया है। हाउ मेनी इवेंट्स टोटल पेड, इस साल कितने इवेंट में खेल हुआ था ना, 171 इवेंट में खेल हुआ था, जिसमें पुरुषों के लिए 93 स्वर्ण पदक था, महिलाओं के लिए 77 स्वर्ण पदक था और मिक्स्ड में 1 गोल्ड मेडल थे। याद रखे ये सब मिलाकर 171 इवेंट में इस साल खेल हुआ है। व्हेन स्टार्टेड वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2023, जो 2023 का वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप कब शुरू हुआ था, 8 जुलाई से शुरू होकर 7 जुलाई तक इस साल खेला गया था, याद रखिए 8 जुलाई से 7 जुलाई। नेक्स्ट, व्हिच प्लेस फर्स्ट वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप प्लेड, फर्स्ट वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 1994 में जर्मनी में खेला गया था, ये भी याद रखिए, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। धन्यवाद फ्रेंड, इस तरह नई नई वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।